Hello all, welcome to Alicia Academy. This is your educator Shreya Jha, and today we are going to talk about MCQs, that is previous year questions, July 2018 and December 2018. इससे पहले इसी सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हमने दो और वीडियोस में जो है June 2019 पूरा का पूरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं December 2018 से July 2018 तक. इससे प्रीवियस इसके आगे आने वाले वीडियोस की यदि हम बात करें तो उसमें हम 2017 डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड आए हैं. 2017, 2016, 2015 तक के हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, ये वीडियो जो है आप तभी अटेम्प्ट करें जब तक आपने जो है सिलेबस को एक बार जो है गो थ्रू कर लिया है पूरी तरह, तभी ये वीडियो जो है आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. इसके अलावा जो है ये वीडियो को फ्रूटफुल बनाने के लिए हमने हमारे एंड से जो है जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है, जो पॉइंट्स जो है अभी तक के कुछ 19-20 लेसन्स हैं जिसमें हमने हायर एजुकेशन पूरा कवर किया है और जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. इसके अलावा जो है 100 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आगे आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो बने रहिए हमारे साथ. उसमें जो है बाकी बचा हुआ जितना भी टॉपिक है हम कवर कर लेंगे. तो ये जो है वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs 100 MCQs आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलने वाले हैं उनको सारे सिलेबस के बदलाव को, यानी June 2019 में जो कि बदले हुए पैटर्न के बाद पहला एग्जाम था उस बदलाव के पैटर्न को देख करके बनाया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे काफ़ी सारे ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे. ये तो बात हो गई हायर एजुकेशन की. सिमिलरली सेम काइंड ऑफ जो पैटर्न है आप देखेंगे कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो कि यूनिट नंबर 6 है पेपर 1 का इंडियन लॉजिक का जो सिलेबस है हमने कवर किया है और उसमें भी है हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. तो आप जाकर के लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत इंडियन लॉजिक भी प्लेलिस्ट से जाकर के कवर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2018 से. दिसंबर 2018 का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड द स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे बात हो रही है फंक्शंस या स्टेटस की, किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है. चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फुली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन आप देखकर ही सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको अटेम्प्ट करते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बात हो रही है वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो है स्टैट्यूटरी लिखा है, तो डी वाले जो ऑप्शन है वो ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो जाते हैं. अब आप देखेंगे ए और बी और या ए और सी, तो इसका आंसर जो है ए और सी है. ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन को पहले पढ़े, पॉज करके देखें और उसके बाद जो है आंसर खुद से देने की कोशिश करें तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी, आपके लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल हो पाएगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, फंक्शंस की बात हो गई तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए तो आएगा ही, ऐसे भी नाम से भी क्लियर है आप रिलेट कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है इट इज़ फुल्ली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये बात हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1978 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. तो इनमें से कौन सा जो है 2 अक्टूबर 1978 को लॉन्च हुआ था. पहला है एडुसेट, दूसरा है 10+2+3 स्कीम, तीसरा है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम
एंड फर्स्ट एजुकेशनल रेडियो चैनल। तो आप देखेंगे रेडियो चैनल से क्वेश्चन कई बार आए हैं आपको, ये क्वेश्चन जो है जून 2019 में भी आया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आप वहां से जाके ले सकते हैं जहाँ पे ज्ञानवाणी पे आपको एक क्वेश्चन आया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसी सीरीज में जब हम जून 2019 की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है एडुसेट, एडुसेट के बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। 10+2+3 स्कीम हम आगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम कोठारी कमीशन के ऊपर जो है कुछ और जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम करेंटली ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी में जो ये सिस्टम चेंज होकर कर आया है उस पर भी जो है ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और आगे आने वाले स्लाइड्स में भी उनको आगे कुछ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, हम उनके ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिससे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज मिल सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का यही राइट वे है। और मैं भी आपसे अर्ज करना चाहूँगी कि जितने भी ऑप्शंस हमारे एंड से रह जाते हैं आप उनको स्वयं जरूर एक्सप्लोर करें, उससे जो है आपको रिटेंशन मिलने में जो है काफ़ी आसानी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 2 अक्टूबर 1978 को नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप याद रखिएगा। और आप देखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यानी कि इससे जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में भी जो है कुछ मेजर्स लिए गए, जैसे कि आप बात करते हैं इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी पर्टिकुलरली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35। सो इस एज ग्रुप में जो है गरीबी साक्षरता को जो है हटाने की बात की गई थी, जो जो लोग हैं इलिटरेट हैं, सॉरी मुझे सब नहीं मिल रहा था, तो जो लोग इलिटरेट हैं उनकी जो है इरेडिकेशन की बात की गई थी इस पॉलिसी के ग्राउंड्स पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं एडुसेट के बारे में। यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला बात कि एडुसेट जो है कब लॉन्च हुआ था, एडुसेट स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च ऑन September 20, 2004। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो बैक डेटेड भी पूछते हैं, हायर एजुकेशन में स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान रखिए और ऑप्शन तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा सेकेंड जो आपको याद रखना है वो है January 1, 2008 का डेट। इस डेट को क्या हुआ था, सैटेलाइट बेस्ड टेली एजुकेशन फैसिलिटीज टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द कंट्री वाज लॉन्च। तो क्या लॉन्च हुआ था, सैटेलाइट बेस्ड टेली एजुकेशन फैसिलिटी, और किनके कोलैबोरेशन में हुआ था, तो ये जो टेली एजुकेशन बेस्ड फैसिलिटी है इनके कोलैबोरेशन में हुआ था, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड IIT बॉम्बे दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। सो यहाँ पे टीचिंग एंड का काम जो करता है वो फैकल्टीज और कंटेंट डिलीवरी का काम जो है वो IIT बॉम्बे के बेस पे होता है और उनके ही जो फैकल्टीज है वो प्रोवाइड कराते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सैटेलाइट बैंडविड्थ इंस्टॉल ग्राउंड इक्विपमेंट्स एट वेरियस रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री इज टेकन केयर बाय द इसरो एंड IIT बॉम्बे विल अरेंज फॉर डिलीवरिंग फुल फ्लेज्ड कोर्सेज ऑन वेरियस इंजीनियरिंग टॉपिक्स थ्रू इट्स फैकल्टी ऑन द नेटवर्क। सो डिलीवरी की काम हो गई IIT बॉम्बे की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई दैट इज टेकिंग केयर बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बातें थी एडुसेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन द फॉलोइंग लिस्ट हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। ध्यान दीजिएगा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, अभी हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी इसके ऊपर बना रखा है। ये क्वेश्चन था 2018 का, दिसंबर 2018 का, और यहाँ बात की गई थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। तो अब हालांकि ये रैंकिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये दो फर्स्ट टू है, 1 and 2, बिट्स पिलानी एंड मणिपाल अकेडमी। तो इसके अलावा हम अभी की रैंकिंग जो उस वीडियो में भी हमने चर्चा की है एक बार से वापस देख लेते हैं। तो अभी की अगर हम बात करें 2020 की, तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे बिट्स पिलानी राजस्थान, मणिपाल अकेडमी जो कि ऑलरेडी हमने देखा था 2018 में भी थे, इसके अलावा जियो इंस्टीट्यूट जो है ऐड किया गया है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के तहत। तो ये तो बातें हो गई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा ये सारे भी हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अलावा आप देखेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है, तो ये सारा चीज़ जो है हमने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस
नामक वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस किया है, वहां से जाकर के आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश अ हायर एजुकेशन काउंसिल वाज सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीप प्रोग्राम ऑफ MHRD is aimed to train the university's faculties in. So, LEAP program जो है MHRT के अंतर्गत आता है, इससे हम क्या करते हैं, university's faculties को किस चीज में training प्रदान करते हैं, scientific research, academic leadership, new technology या फिर institutional economics। तो आप देखेंगे अगर आपको LEAP का full form भी पता होता तो आप आराम से इसको जो है question को attempt कर सकते हैं। यहाँ इसका answer है academic leadership। लीप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लीप स्टैंड्स फॉर लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम। सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ लीप, आप इसके साथ साथ अर्पित भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम जो है साथ में लॉन्च हुए थे। अर्पित स्टैंड्स फॉर एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। सो दीज टू वर लॉन्च्ड बाय द डॉक्टर सत्यपाल सिंह। इसका लीप प्रोग्राम के अंतर्गत क्या था, लीप प्रोग्राम जो है 3 वीक का प्रोग्राम है। 2 वीक जो है आपको डोमेस्टिक ट्रेनिंग मिलेगी और 1 वीक जो है फॉरेन ट्रेनिंग मिलेगी। अब ये ट्रेनिंग लीप के किनको दी जाती है, तो सेकेंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज को दी जाती है। ये सेकेंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज कौन होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो आगे चल के की लीडरशिप पोजीशंस एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है टेकअप करने वाले होते हैं। तो इनको जो है फ्यूचर लीडरशिप के लिए तैयार की जाती है। अगर HR की भाषा में हम बात करें तो इस टर्म को हम सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। HR में हमने पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स में। तो हम बात करते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजेरियल स्किल की, लीडरशिप स्किल की, सारी मैनेजमेंट और लीडरशिप रिलेटेड जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है लीप के अंतर्गत। और लीप प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा 15 NIRF टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो NIRF रैंकिंग 2020 की भी हमने आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करनी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये कुछ बातें हो गई लीप के बारे में। सिमिलरली अर्पित पे जो है आपको खुद सर्च करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लीप से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम अर्पित से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो है मैं आपके लिए ये बिट छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। हमने ये डिस्कस किया था वैल्यूज के बारे में जब हम वैल्यू एजुकेशन वाला वीडियो कर रहे थे। वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन एंड वैल्यू कंसोलिडेशन, ये 4 स्टेजेस है वैल्यू डेवलपमेंट के। और यहाँ पे जो है क्रिटिकल फीचर्स है, इनके कुछ क्रिटिकल फीचर्स की बात है। तो आपको ये चीजें जो है समझनी होगी। डिफरेंस बहुत आपको ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा हो सकता है ना दिखे, बट टिपिकल टर्म्स है। और अगर आपको एटलीस्ट 2 की क्लैरिटी है तभी जाकर के आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। वैल्यू कलेक्शन स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इमिटेशन। सो वैल्यू कलेक्शन इज यू कैन इमिटेट दोज वैल्यूज। देन वैल्यू असेसमेंट बात करता है प्रोवाइडिंग हिंट्स फॉर इनर वैल्यूएशन इवैल्यूएशन। सो हम जो है आंतरिक इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू क्लैरिफिकेशन, सो एक्सपोजर टू अदर्स अदर वैल्यूज। एंड द लास्ट वन इज वैल्यू कंसोलिडेशन, बात करता है कैरेक्टराइजेशन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज। इसके अलावा हमने इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंटर्स यहाँ पर मेंशन करे हैं, आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अ स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन। सो ये एक स्कीम है ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन। अंडर दिस स्कीम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पे देखना है ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन स्कीम के तहत जो है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं, टू इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन द स्कूल, टू सेंसिटिव द सिटीजन सो एज द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड। सो द आंसर इज टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन द स्कूल। सो आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इस एजुकेशन स्कीम में कहीं पर भी हम वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर एस्टैब्लिश करने की बात वो भी स्कूल लेवल पर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी UGC से क्वेश्चन है। UGC काफी इंपॉर्टेंट है, हमने एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे काफी डिटेल में जो है UGC पे
डिस्कशन किया है. तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 28 दिसंबर 1953 बाय हुम अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शंस आर मिसेस इंदिरा गांधी, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आंसर है वो है श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद. हमने यूजीसी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था व्हाट आई वुड लाइक टू ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव सीन लाइक द मोटो ऑफ यूजीसी, देन द हेडक्वार्टर्स, द करंट चेयरमैन and all these details we have seen. We have also had an understanding of where the idea of UGC came from and how it formally established as a statutory organization. So 1953 mein humne dekha inauguration kiya gaya. Last question mein question yahi se aaya tha. 1953 mein inka inauguration kiya gaya. Shri Maulana Abul Kalam Azad ji jo hai jo us samay ke shiksha mantri the. Aur 1956 mein jo hai UGC act pass kiya gaya jiske antargat यूजीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया. अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, तो आप जाकर के यूजीसी वाला चैप्टर देखें. उसमें जो है हमने डिटेल में इस पर भी चर्चा की है कि कौन से बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है इत्यादि. नेक्स्ट क्वेश्चन कोठारी कमीशन से आया है. इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन, सो एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम जो है कोठारी कमीशन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी. तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा जनरली जो कमीशंस कमिटीज बनते थे उनके चेयरमैन के नाम पे ही वो ज्यादा फेमस है और कोठारी कमीशन के नाम से ही हम इसको ज्यादा जानते हैं बजाय एजुकेशन कमीशन के नाम से, जबकि इनका असली नाम जो है वो एजुकेशन कमीशन है. तो ईयर कौन सा था, ईयर था 1964. नेक्स्ट क्वेश्चन कोठारी कमीशन के बारे में हम कमिंग स्लाइड्स में भी कमिंग वीडियो लेक्चर में काफी और भी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कोठारी कमीशन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ओवर द इयर्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन है. तो आजादी के बाद आप देखेंगे स्कूल लेवल पे देयर वाज अ कमीशन मुदालियार कमीशन एंड देन आप देखेंगे कोठारी कमीशन पहला जो है सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव कमीशन था. कोठारी कमीशन को जो है हमने पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद के जो वीडियोज है उस पर भी काफी डिटेल में चर्चा की है और भी चर्चा करेंगे जब हम एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं कोठारी कमीशन से और बार बार आए हुए हैं. तो कोठारी कमीशन का जो एक भी पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को जो है आप ध्यान में रखें. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च इन 2013 विद द पर्पज टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो स्ट्रैटेजिक फंडिंग देने की बात करता है और किन्हें बात करता है, स्टेट हायर एजुकेशन. सो स्टेट में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है एक राज्य के अंदर उनको फंडिंग देने के लिए जो है कौन सा बॉडी जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था. तो इसका आंसर है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको हम रूसा के नाम से भी जानते हैं. इसकी अध्यक्षता जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं. तो आप रूसा के बारे में जो है फर्दर कमिंग वीडियोज में जो है हम और चर्चा करेंगे. Then is the National Knowledge Commission NKC was established in which year, 1998, 2007, 2005. The answer here is 2005. NKC के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हमने देखा कि NKC जो है एक थिंक टैंक था इंडिया का जो 13th जून 2005 को establish किया गया था by the then Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. इसके कार्य क्या थे नेशनल नॉलेज कमीशन के, वाज टू एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑन द पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड रिफॉर्म्स रिलेटेड नीडेड टू मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन द नॉलेज इकोनॉमी. ये बात करता था नेशनल नॉलेज कमीशन. और अभी आप देखेंगे कि जुलाई 2014 में जब जो है हमारी सरकार बदल गई तो आप देखेंगे कि इसको जो है डिसफंक्शनल कर दिया गया और अभी हमारे पास एक नया थिंक टैंक है जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं. ये इसके बारे में हमें सबको पता है. तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2018 में आया हुआ है जबकि इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया था जुलाई 2014 से. तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. हमें किसी भी बॉडीज को इग्नोर नहीं करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें सारी बॉडीज की जो है अंडरस्टैंडिंग लेनी है.
आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हालांकि खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है और हम जो है इसको डिटेल में एक अलग से वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है कि वो अपने हिसाब से कुछ एक सब्जेक्ट्स जो है कंपल्सरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर वो अपने हिसाब से उनको सिर्फ क्रेडिट्स एलोकेटेड रहते हैं सब्जेक्ट्स को और वो चूज कर सकते हैं. तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, हेल्पिंग टीचर्स टू कम्प्लीट सिलेबस ऑन टाइम, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंग्जाइटी अमंग द स्टूडेंट्स. तो यहाँ बात किसकी हो रही है, एडवांटेज ऑफ CBCS. तो एडवांटेज ऑब्वियसली शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक, बिकॉज बच्चा जो है वो खुद से अपने क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स चुनता है तो उनको जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में जो है इंटरेस्टेड रहते हैं और शिफ्ट इन फोकस हो जाता है टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन. काफी इजी सा क्वेश्चन था. तो ये बात हो गई दिसंबर 2018 के क्वेश्चन की. एक और चीज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जुलाई 2018 स्टार्ट करने से पहले हमने देखा है कि दिसंबर 2019 की यदि हम बात करें या फिर सॉरी जून 2019 की यदि हम बात करें या फिर दिसंबर 2018 की बात करें तो आप देखेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन काफी कम, कोर पॉलिटी जो है उसके क्वेश्चंस काफी कम, इक्का दुक्का ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं. तो आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इस सीरीज में हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है हमने एक्सक्लूड करके ये सीरीज बनाई है क्योंकि मैं ये आपके ऊपर जो है रहने देती हूँ क्योंकि दो बार एग्जाम से जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी कम आए हैं. तो आप जो है उसको अपने एंड से या तो प्रिपेयर करें या तो फिर स्किप करें, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. सिलेबस में जो है ऐसा अलग से मेंशन नहीं है. बाकी यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटी गवर्नेंस होता है वो हमने ऑलरेडी इसी वीडियो लेक्चर के सीरीज में कवर कर लिया है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जब हम जरूर लेंगे यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या जो गवर्नेंस सिस्टम है, कैसी हायरार्की है, तो वो हमने डिस्कस की है और उसके क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई 2018. इंडिया हैज द लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर. सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना. सो द आंसर हियर इज ए एंड सी ओनली. भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है. हाउएवर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन स्पाइट बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, जो इंडिया की रैंकिंग है अगर QS रैंकिंग की बात करें तो हम टॉप 200 में एक्सेप्ट फॉर फ्यू IITs एंड वंस अ व्हाइल दिल्ली यूनिवर्सिटीज, नो अदर यूनिवर्सिटी और नो अदर कॉलेज फीचर्स. तो इस पर जो है हमने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के बाद वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया गया. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी जो है आप कह सकते हैं इसको एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, इनोवेशन के लिए जो है एक प्रोग्राम है. तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप किसको दिया जाता है, स्टूडेंट्स परसुइंग PhD प्रोग्राम इन IITs एंड IISc. तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम क्या है. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PMRF. क्या करता है ये, 1000 बेस्ट BTech स्टूडेंट्स को जो है ईच ईयर फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस यानी कि IIT हो गया, IISc हो गया, तो इनको जो है पिक करता है 1000 बेस्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को और उनको जो है सुविधा प्रदान करता है कि यदि वो PhD करे तो उनको जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे IITs पे या फिर IISc से वो PhD परस्यू कर सकते हैं. जो फेलोशिप अमाउंट है वो काफ़ी हैंडसम है, 75,000 पर मंथ की फेलोशिप फॉर 5 years इनको मिलेंगी और इसके लिए जो है बजट 2018 में जो है प्रावधान रखा गया था. इसके अंतर्गत जो है 1800 करोड़ जो रुपए है एलोकेट किए गए थे PMRF को. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैंडेट फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंक्लूड. सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कार्यों के ऊपर है, हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वो ग्रांट प्रदान करती है, इसके अलावा जो है वो रिसर्च फंडिंग करती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह मेंटेन करती है. बट यदि हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग की बात करें तो 15 हमने बॉडीज देखे थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस देखे थे जिनके जो है अपने हेड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है. तो ऐसे ही 15 बॉडीज के ऊपर हमने चर्चा की थी जब हम UGC वाला चैप्टर कर रहे थे. तो इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम वहाँ से जा करके ले सकते हैं.
अभी के लिए बस याद रखिए कि टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग यूजीसी नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1, 3 and 4, यानी 2 को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं, अगेन क्यूएस रैंकिंग आप देखेंगे दिसंबर में भी पूछा गया था आपको NIRF रैंकिंग, यहाँ पर आपको क्यूएस रैंकिंग पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी 2020 की रैंकिंग डिस्कस कर ली थी। अगर यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात की गई है जो कि टॉप 500 में आते हैं। तो 2018 में भी इसका आंसर था केवल दिल्ली, और अगर अभी की भी रैंकिंग आप देखेंगे तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में केवल दिल्ली आ रही है, बाकी उसके अलावा हैदराबाद जो है बियॉन्ड 500 आ रही है। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है हमने डिस्कस की थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस वाले वीडियो लेक्चर में, तो वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप उसको जाकर के पूरा जरूर देखें और रैंकिंग जो है कम से कम फर्स्ट टॉप 5 या टॉप 10 ऐसे कुछ याद जरूर रखें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये था 2018, तो 2017 डिस्कस करेंगे, लाइकवाइज विल डिस्कस 2016 एंड 2015। उसके अलावा जो है जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 100 MCQs यानी कि 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं हायर एजुकेशन के सीरीज में आपके लिए, तो बस हायर एजुकेशन जो है आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।